हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं टाटा मोटर के बारे में। क्या ये डूब जाएगा या एक दोस्तों बहुत बड़ा मल्टीबैगर बन जाएगा, क्योंकि आपको पता ही है दोस्तों, टाटा नाम ही काफ़ी है हर एक चीज़ के लिए। आप चाहे घर से बाहर जाओ या कहीं भी जाओ, आपको ये नाम और ये हर एक जगह पे आपको दिखेगा दोस्तों, हर एक जगह पे आपको दिखेगा। आपको ये भी पता होगा दोस्तों, 500 करोड़ का दोस्तों डोनेशन दिया है रतन टाटा ने, 500 करोड़ का। और ये एक छोटा मोटा दोस्तों डोनेशन नहीं है, एक बहुत बड़ा डोनेशन है 500 करोड़ का, ठीक है। तो सोचिए, इतना बड़ा जब डोनेशन दे सकते हैं लोगों को बचाने के लिए, तो दोस्तों ये तो कंपनी को बचाने के लिए भी कुछ ना कुछ ज़रूर कर ही सकते हैं। तो आज हम इसी स्टॉक के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं कि दोस्तों, क्या ये डूबेगा या मल्टीबैगर बन जाएगा, क्योंकि इसके पास दो ही चॉइस बचा है। अगर आप देखोगे तो दोस्तों, ये 60 रुपीज़ का लोवेस्ट लगा चुका था, उसके बाद दोस्तों ये 70 रुपीज़ के आसपास चल चुका है। 60 और 70 के बीच में 3 रुपीज़ का फ़र्क होता है। अरे दोस्तों, ये 3 रुपीज़ का फ़र्क कितना परसेंट होगा वो बहुत बड़ी मायने रखता है, 15% या 20% होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों, 5 डेज़ का चार्ट हम देख लेते हैं। ये रहा दोस्तों 5 डेज़ का चार्ट में ये स्टॉक, ने यहाँ पर देख सकते हैं 1 मंथ का चार्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि 2 महीने पहले, मतलब कि दोस्तों इस पॉइंट पे, जो यहाँ पर आपको पॉइंट दिखाया जा रहा है दोस्तों, इस पॉइंट में ये स्टॉक जो था 200 रुपीज़ का हाईएस्ट मारा था। और वो डेट कब था दोस्तों, 15 जनवरी था दोस्तों, वो डेट 15 जनवरी था। तो दोस्तों मान लीजिए जनवरी में, ठीक है, जनवरी में दोस्तों ये स्टॉक 200 रुपीज़ के आसपास था, और हालाँकि दोस्तों 200+ था, ठीक है, 200+ भी था। लेकिन आपको पता है कि टाटा मोटर क्यों गिरा दोस्तों, आपको मैं बताता हूँ कि दोस्तों टाटा मोटर का प्राइस गिरने के पीछे एक अगर बहुत बड़ी वजह थी तो दोस्तों वो था चाइना। चाइना की वजह से दोस्तों टाटा मोटर में बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली चाइना की वजह से, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया में केवल जो है उसको 25% का प्रॉफिट मिलता है दोस्तों, ठीक है, 25% का। बाकी 75% जो है टाटा मोटर का प्रॉफिट, वो बाहर से आता है दोस्तों। कहाँ से आता है? वो बाहर से आता है। अब दोस्तों इसका मान लीजिए, जितने भी बड़े बड़े हैं, US हैं और ये जो चाइना, इधर से भी दोस्तों टाटा मोटर का बड़े बड़े जो है रेवेन्यू जनरेट हो गया आता है। लेकिन आपने देखा होगा दोस्तों, सबसे पहले टाटा मोटर का प्राइस कब से गिरा दोस्तों, जनवरी से, ठीक है, जनवरी से गिरा। और दोस्तों सबसे पहले ये जो कोरोना वायरस का न्यूज़ आया था वो कब आया दोस्तों, जनवरी में आया था, और वो आया था चाइना से। फर्स्ट ऑफ ऑल ये दोस्तों चाइना से आया था पहली बार, ठीक है। और दोस्तों चाइना से आया था, उसी टाइम में कोई घर से बाहर भी नहीं निकलता था, शोरूम तो कोई नहीं जाएगा। तो इस वजह से क्या हुआ दोस्तों, टाटा मोटर का प्राइस गिरने लगा, और कोई भी खरीदने के लिए रेडी नहीं था, कोई भी खरीदने के लिए रेडी नहीं था। लेकिन अब कुछ लोग बोलेंगे कि अब कौन सा बड़ा पहाड़ टूट चुका है। अब दोस्तों टाटा मोटर के लिए हैप्पी न्यूज़ ये है कि दोस्तों टाटा मोटर का ज़्यादा रेवेन्यू चाइना से आएगा, और दोस्तों चाइना का जो है अर्थव्यवस्था वो सही हो चुका है का करने का मतलब दोस्तों अंडर कंट्रोल है, और वहाँ के जितने भी बिजनेस है, फर्म है, इंडस्ट्री है, सब कुछ चलना स्टार्ट हो गया दोस्तों। और ये जो आप देख रहे हो, ये मैं आपके सामने चार्ट लाया हूँ, ठीक है, डेथ रेट का, मतलब कितने लोग मर रहे हैं पूरे इंडिया नहीं, पूरे वर्ल्ड में दोस्तों कितने लोग मर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कोरोना वायरस की वजह से कितने लोग मर रहे हैं और कहाँ कहाँ पे मर रहे हैं दोस्तों, ठीक है, सॉरी ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन गलत वर्ड इस्तेमाल किया, सॉरी, ठीक है। तो कोई बात नहीं, देखिए यहाँ पर मैंने जो है ये चार्ट निकाला, ठीक है, ये चार्ट में दोस्तों चाइना का नाम नहीं है, ठीक है, चाइना का नाम नहीं आया। लेकिन दोस्तों चाइना का नाम नहीं आया और चाइना का अर्थव्यवस्था जो है सब कुछ सही हो गया, मतलब कि हर एक इंडस्ट्री चलने लगा दोस्तों, लोग आने जाने लगे, रिटेलर बिजनेस है, चाहे जितने भी बड़े बड़े, छोटे से लेकर बड़े बड़े, सब कुछ चलने लगा। यहाँ तक कि जी बिजनेस में भी बताया गया था कि दोस्तों चाइना का अर्थव्यवस्था सही हो रहा है। और दोस्तों चाइना का जो फिशियल डेफिसिट है, जैसे हमारा इकोनॉमिक है, हमारे इंडिया में देख लो, इकोनॉमिक फिशियल डेफिसिट, GDP सब कुछ गिर रहा है। लेकिन अब चाइना में क्या हो गया दोस्तों, एक बॉटम बना चुका है दोस्तों चाइना, और बनाने के बाद दोस्तों ये ऊपर जाना स्टार्ट हो गया। हालाँकि दोस्तों यू शेप में जा रहा, वी शेप का मतलब होता है दोस्तों डायरेक्ट आया और ऊपर जाना स्टार्ट हो गया, ठीक है, और एक एल शेप होता है कि मतलब दोस्तों अब जब नीचे आ गया तो नीचे ही रहेगा, ऊपर जाने का कम चांस है, नहीं चांस है, ठीक है। लेकिन ये जो यू शेप बना रहा दोस्तों, यू शेप में जैसे देखिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा था चाइना को, लेकिन अब जो है इसको पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है। तो इसी वजह से टाटा मोटर में आपको जो है बढ़ती हुई प्राइस नजर आ रही है दोस्तों, और भी इसका जो टाटा मोटर का प्राइस जो है बढ़ेगा, और भी आप खरीद सकते हो, और कुछ दिनों में आपको भी फर्क नजर आएगा दोस्तों। ये देखिए जब 75-80 के भाव पे
जाएगा तो, ठीक है, और धीरे धीरे और भी आगे जाएगा, ठीक है। तो ये देख सकते हो दोस्तों, टाटा मोटर में आपको अच्छा से अच्छा प्रॉफिट होगा, ठीक है, क्योंकि स्टॉक बहुत ज़्यादा ऊपर में था दोस्तों। मुझे लगता है कि ये 200 का स्टॉक था, अभी ये 200 रुपीज़ का स्टॉक था, ये चला गया था 60 रुपीज़ का, सोचिए इतना ज़्यादा गिर चुका था। तो ये स्टॉक जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस में रखना है प्रॉफिट रखने के लिए, ठीक है। और एक चीज़ आपको बताता हूँ, थोड़ा सा बाउंस बैक लेना जरूर स्टार्ट किया है दोस्तों टाटा मोटर, यहाँ पर देख सकते हो थोड़ा सा बाउंस बैक लेना जरूर स्टार्ट किया है। और यहाँ पर मैंने आप लोगों को सिखाया था डबल बॉटम, डबल बॉटम का मतलब दोस्तों ये जो फर्स्ट आता है ये होता है, और ये जो सेकंड आता है दोस्तों इसको डबल बॉटम बोलते हैं, ठीक है। डबल बॉटम लगा चुका है तो यहाँ पर आपको कॉन्शियस होकर काम करना है, इसका मतलब ये नहीं कि आँख बंद करके पैसा लगा दिया छोड़ दिया, आपको यहाँ पर देखना है, रिसर्च करना है, क्योंकि दोस्तों प्रॉफिट होगा तो आपको, लॉस होगा तो आपको, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक जो है बेस बनाने का ये कोशिश कर रहा है दोस्तों, तो इस जगह पे, और इसका मान लीजिए अगर कोई स्टॉप लॉस रखता भी है तो मुझे नहीं लगता दोस्तों ये 60 रुपीज़ का नीचे जाएगा, ठीक है। 60 का लेवल अगर तोड़ता भी है तो ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा, ठीक है। तो थोड़े बहुत करके आप खरीद सकते हो, जिससे आने वाले दिनों में आपको प्रॉफिट देगा। और हाँ, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों कि एक या दो दिन में या 10-15 दिन में या एक दो महीने में आपको प्रॉफिट देगा, स्टॉक मार्केट पूरा गिर चुका है, ऊपर जाने के लिए टाइम लगेगा। तो आपको भी क्या करना है, पेशेंस रखना है दोस्तों। अगर आपने स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया है तो आपको वेट करना है, कम से कम 2-4 महीने तो वेट करना पड़ेगा कंपलसरी। अगर आप सोच रहे हो कि भाई इतना ज़्यादा वेट नहीं कर सकता, तो इससे तो दूसरा जगह है, आप बैंक में पैसा डाल सकते हो। बैंक में आपको 1 साल रुकना पड़ेगा दोस्तों, 1 साल रुकना पड़ेगा, 1 ईयर, ठीक है। सोचिए 1 साल रुकने के लिए तैयार हो, लेकिन 2-4 महीने रुकने के लिए तैयार नहीं हो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ थोड़ा सा पेशेंस रखा करो, पैसा बनेगा, ठीक है। थोड़ा दिमाग लगाओ, पैसा और पेशेंस रखो, पैसा बनेगा, ठीक है। तो टाटा मोटर पे दोस्तों मेरे ख्याल से आपको थोड़ा फोकस करना चाहिए, अपना ध्यान लगाना चाहिए, उसके बाद फिर हम आने वाले जैसे कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ आता है तो मैं आपको जल्दी से जल्दी इन्फॉर्म करूँगा कि टाटा मोटर पर किस प्राइस पर आपको कौन सा टारगेट लेके खरीदना है, ठीक है। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जिससे आने वाला वीडियो आपसे मिस नहीं होगा। और मिलते हैं दोस्तों हम आने वाले नेक्स्ट वीडियो में।